मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कांग्रेस प्रत्याशी बद्री राम जाखड़ के समर्थन में जनसभा करने के लिए बाली पहुंचे, जहां उन्होंने गणगौर मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे जो मांगा गया मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा था कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। यहाँ के MLA ने मांगने में कोई कंजूसी नहीं की होगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ 20 नए जिले बना करके हमने इतिहास बनाया है। वापस रिपीट करेंगे, आप लोग बनाएंगे, वापस सरकार बनाएंगे। मैं केरला गया था, केरला में चुनाव थे, वहां मैंने देखा चुनाव के पहले लोगों ने कहा वहां 70% एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। मुझे लोगों ने कहा, मैं तो कांग्रेस ही ले गया था वहां, इस बार सरकार का वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी रिपीट हो गई। तो मैंने कहा वो क्यों गई, 70 साल में एक बार बारी बारी सरकार बनती है कांग्रेस की और कम्युनिस्ट पार्टी की, कहीं ना हमारे यहाँ कॉर्नर में अच्छा काम किया सरकार ने। तो मैंने कहा अगर कॉर्नर में अच्छे काम करने सरकार बन सकती है, रिपीट हो सकती है। हमने कॉर्नर में शानदार काम किया, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का, बिरोड़ा मॉडल का भी। हमने कमी रखी नहीं दवाइयों की भी, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, अच्छा प्रबंधन किया और साथ में ये महंगे राज शिविर लगाए हैं।